वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रेक। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड लेक्चर फॉर दी कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, सो जाकर चेक कर लें नेट पे, यूट्यूब पे, मैक्रेक चैनल पे। उसमें हमने क्या क्या सीखा था, जस्ट मैं आपसे एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। जब उस लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा, हमने कपल सीखा हुआ है, वॉट इज़ मीन बाई कपल, वॉट इज़ मीन बाई दी कोप्लेनर फोर्सेस, व्हाट इज मीन बाय द नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। और उसके अलावा हमने रिजोल्यूशन सीखा हुआ था, उसके बाद हमने कंबाइन करना है वो सीखा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने जो सीखी थी, आज हम स्पेशली न्यूमेरिकल टच करेंगे। सो चलिए, पिछला लेक्चर जो एकदम हमने जब एकदम कंप्लीट ही किया था, जस्ट वहाँ से शुरू करता हूँ। तो हमने पिछली बार बात की हुई थी कि द रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट करना सीखा था, कि रिजल्टेंट ऑफ अ कंकरेंट फोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय द कंकरेंट फोर्सेस? कंकरेंट फोर्स इज नथिंग बट एक पॉइंट होगा, वहां से फोर्सेस या तो आउटवर्ड डायरेक्शन या तो इनवर्ड डायरेक्शन, सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, दैट इज नथिंग बट द कंकरेंट फोर्सेस। और इनको कैसे रिजल्टेंट इनका कैसे निकालेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, याद है स्टेप वन, रिजोल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, देन रिजल्टेंट निकाल देते हैं अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, देन थीटा निकाल देते हैं, थीटा निकाल देते हैं टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये सारे के सारे स्टेप्स थे। एट द लास्ट था क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका ये रिजल्टेंट, वो हमने देखा था कि यहाँ पे समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा हुआ है। सो ये पांच स्टेप कंपलसरी होते हैं रिजल्टेंट फॉर कंकरेंट फोर्सेस की कैलकुलेट करने के लिए। सो जस्ट राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, जस्ट इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपका जो बेस है और स्ट्रांग हो जाए। करें, आर यू रेडी? सो निकाल लीजिए। अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बुक, आपके पास जो बुक है उसे निकाल लीजिए, राहुल सर के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो एग्ज़ाम से पहले वो काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए। इवन जब ये लेक्चर्स भी हो जाएंगे तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप एयरफोन लगा लीजिए आपके मोबाइल में। एयरफोन लगाने के बाद एक घर का एक कोना, या फिर अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो एक कॉर्नर ऐसा ले लीजिए जहाँ पे कंटिन्यूसली आप शांति से बैठ सकें और पूरे के पूरे लेक्चर्स को एक शॉट में देख सकें, ऐसा ट्राई कीजिए, तो ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, सो लैंडस्केप मोड कर दे फ़ोन, एक कॉर्नर ले लें और शुरू हो जाइए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीख जाओगे राहुल सर के साथ। तो राइट डाउन, फाइंड दी फोर्स एफ फोर, ये ऑलरेडी एमयू में आया हुआ न्यूमेरिकल है, फाइंड दी फोर्स एफ फोर सो एज टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन। ठीक है, सो मैं आपके लिए यहाँ पे जो ऑलरेडी आया हुआ था एग्जाम्स में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो एक यहाँ से फोर्स आ रहा है जो कि 30 डिग्री पे है, इसका एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, जो कि है 500 न्यूटन, दिस इज फोर्स एफ वन। सेकेंड, यहाँ से एक फोर्स बाहर जा रहा है, अगेन ये 30 डिग्री पे है, दिस इज एफ टू हैविंग वैल्यू 300 न्यूटन। थर्ड वन इज एफ थ्री, दिस इज एफ थ्री विच इज 400 न्यूटन हैविंग एट एंगल 45 डिग्रीज। लास्ट यहाँ पे हमको दिया हुआ है आर, ये 50 दिया हुआ है, तो इस तरह नहीं मैं ड्रॉ कर सकता, सो ये थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज 50 डिग्री गिवन, 50 डिग्रीज गिवन, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट 800 न्यूटन। जस्ट मैं रीड कर देता हूँ न्यूमेरिकल, फाइंड द फोर्स एफ फोर सो एज टू गिव द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम शोन। सो ये एक सिस्टम ऑलरेडी गिवन है अपने को, जिसमें रिजल्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एमयू में आया हुआ है न्यूमेरिकल ऑलरेडी है, 4 मार्क के लिए आया हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑलरेडी
आ चुका है, तो बहुत यूजफुल होगा. लेट्स सी. सो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑलरेडी इज गिवन, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. सो सबसे पहले हमने क्या सीखा हुआ है, दिस इज दी सॉल्यूशन लिखते हैं. सो सॉल्यूशन में क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर ऑलरेडी अटेंड कर लिया है उनके लिए मैं कहूँगा कि जस्ट स्टॉप करना है इस वीडियो को और खुद से ट्राई करना है, देखो आप कर पाते हो क्या. अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यहाँ पे मेरे साथ एक रिविजन करना है. लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. दिस इज द टाइप ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम. समझ में आ रहा है क्या होता है. ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से फोर्स अंदर आ रहे बाहर जा रहे, सबका कनेक्शन सिर्फ एक पॉइंट से है यहाँ पे जो है. सो दिस इज नोन एज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम. सो इसके लिए क्या करना होता है, व्हाट इज द स्टेप वन, फाइंड आउट दी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स के लिए क्या ध्यान रखना था, राहुल सर ने कहा हुआ है कि जो राइट हैंड साइड में जो मूव करेंगे फोर्सेस टेक एज अ पॉजिटिव. सो चलिए सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करना है हमको, क्योंकि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक एफ ऑफ एक्स में और वाई में हम जानेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस इंक्लाइन है. सो लेट्स रिजॉल्व द इंक्लाइन फोर्सेस. सो ये जो दिख रहा है फिलहाल फोर्स इनवर्ट जा रहा है, सो इसको रिजॉल्व इस तरीके से करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका रिजोल्यूशन इस तरह होगा. सो जैसे मैंने कहा था दिस इज 45, सो बाय सिंपल मैथ दिस इज अगेन 45 एज दिस वन इज 400. सो ये रिजोल्व करेंगे तो दिस इज द 400 cos 45 एंड दिस इज 400 sin 45. रिजोल्व कैसे करना होता है, प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर देखना है, वहां पे आप सीख जाओगे. मैंने कहा था कि जिससे टच होता है अपना एंगल उसके साथ cos दैट एंगल टच करते हैं और रिमेनिंग जो है उसके साथ sin. देन अगेन ये इंक्लाइन है, देन अगेन इसको रिजोल्व करेंगे तो ये इस तरह से रिजोल्व करेंगे. सो दिस इज 30, सो डेफिनेटली दिस एंगल इज 30 degree. सो दिस इज 300 newton. सो ये हो जाएगा अपना 300 into cos 30, ये हो जाएगा 300 sin 30. ठीक है, इस फोर्स को मैंने दो पार्ट्स में रिजोल्व किया, ये इनवर्ट आ रहा है सो इसका रिजोल्यूशन इस तरह होगा. 500 न्यूटन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर. ठीक है, सो रिजॉल्व करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, दिस इज 30 और दिस इज 90, सो डेफिनेटली ये हो जाएगा अपना 60. अगर आप इसको 60 ले रहे हैं तो क्या करना है अपने को, दिस इज 500, ये क्या हो जाएगा, दिस इज cos 60 और ये क्या हो जाएगा देन 500 sin 60. डन, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. सो अगर आपने ये एंगल लिया हुआ है सो ये रिजॉल्व इस तरह करना है. सपोज करते किसी स्टूडेंट ने ये एंगल कैलकुलेट किया बाय सिंपल मैथ, सो उसे ये 30 मिलेगा. जब आप 30 डिग्री लेंगे तो आपका रिजोल्यूशन किस तरह होगा, जब 30 हमने सपोज किया हुआ है तो रिजॉल्व हो जाएगा ये 500 cos 30 में और ये हो जाएगा 500 sin 30. समझ में आ रहा है, जब आप अलग अलग एंगल चूज करते हैं तो रिजोल्यूशन भी अलग अलग हो जाते हैं. जब ये एंगल 60 चूज किया है तो इसको रिजोल्व करना है 500 cos 60 एंड 500 sin 60 में. लेकिन जब आप 30 डिग्री ये एंगल लोगे, कोई स्टूडेंट होगा जो इस तरह से रिजोल्व करेगा, जरूरी नहीं ना सब जन एक साथ एक तरीके से रिजोल्व करें. सो जो स्टूडेंट इसे इस एंगल को लेगा 30 को, उसके लिए रिजोल्यूशन हो जाएगा 500 cos 30 और यहाँ पे हो जाएगा 500 sin 30. और ये रहा रिजल्टेंट को भी रिजोल्व करना पड़ेगा अपने को. सो इसका रिजोल्यूशन इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल. सो ये हो जाए, हाँ अब ये एंगल 50 है सो दिस एंगल डेफिनेटली इज 50. सो इट इज 800 cos 50, दिस इज 800 sin 50 डिग्री. डन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका रिजोल्यूशन. रिजोल्व करना आप सीख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, पूरा ध्यान से देख लो कि राहुल सर ने किस तरह से रिजॉल्व किया है. रिजोल्यूशन सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलिए अब आगे मूव करते हैं. सो दिया हुआ है कि फाइंड द फोर्स F4.
तो अब हमें जस्ट अज्यूम करना है कि एफ फोर फोर्स को कहीं पे भी एक जगह पे अज्यूम कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम कि वो फोर्स ये यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। लेट अस अज्यूम दैट एफ फोर इज दिस वन, दिस इज एफ फोर हैविंग एट एंगल, हैविंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। अभी ध्यान नहीं रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्टली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज कर लेना है कि दिस इज माय एफ फोर। सो जस्ट राइट डाउन, मैं बोल रहा हूं जस्ट राइट डाउन कर लो आपके नोट्स में, मेरे साथ कर रहे हो तो। लेट एफ फोर एक्ट एट एन एंगल अल्फा एज शोन इन दी फिगर, जैसे आपने फिगर में दिखाया। इजी, समझ में आपको? सो एक अल्फा को हम, एक एफ फोर को मैंने अल्फा एंगल लेके जस्ट शो कर दिया हुआ है और रिजोल्यूशन भी हमने कर लिया हुआ है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो एक्स डायरेक्शन यानी मीन्स क्या होता है एफ ऑफ एक्स? इट मीन्स कि जितने भी हॉरिजॉन्टल होंगे सबको पकड़ के यहाँ पे लाना है एक साइड में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा उसको लिखना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले इस फोर्स का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो इसको लेंगे माइनस, क्योंकि इस साइड में जाएगा तो मैंने प्लस किया हुआ है। सो ये बैक साइड में आ रहा है, सो इट इज माइनस 300, दिस इज 300 cos 30, सो माइनस 300 cos 30। वाई माइनस? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। सो ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया मैंने, आते हैं इस फोर्स पे। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे हमको देखो इस साइड में जाते हुए दिख रहा है, सो इट इज प्लस 400 cos 45। डन, समझ में आ रहा है? सो दिस इज प्लस, इसको यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें सिर्फ फोर्सेस को हम पकड़ने वाले, ओनली फोर्सेस, और ये रिजल्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट है, राजा आदमी है। डन, सो इसको भी फिलहाल मैं नहीं पकड़ूंगा। एफ फोर जो मैंने एज्यूम किया हुआ है इसको भी लेट्स रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व नहीं किया था मैंने, सो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। सो दिस इज एफ फोर कॉस अल्फा, दिस इज एफ फोर साइन अल्फा, ठीक है। सो ये जो फोर्थ फोर्स है उसका क्या आ जाएगा, प्लस फोर्थ है, हमने अभी तक इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, सो जस्ट राइट डाउन एफ फोर, व्हाट इज द एंगल, इट इज कॉस अल्फा। थोड़ा ध्यान रख के करना, यहाँ पे ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान कर देख के करना इसको, ये एफ फोर कॉस अल्फा है और ये 500 साइन 60 ये ऊपर का है, सो आप ध्यान से उसको करते रहो। सो एफ फोर कॉस अल्फा है, इसका एक एंगल आ गया। देन लास्ट ये जो फोर्स दिख रहा है, ये दिस वन फोर्स, उसको लेते हैं। ये कौन सा फोर्स था अपना? ये था अपना एफ वन। सो एफ वन को जब रिजॉल्व करेंगे, सो इट इज माइनस 500 साइन 30। मैं साइन 30 वाला एंगल लेके करता हूँ, सो जो दूसरा एंगल है जस्ट मैं उसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मैं 30 वाला एंगल लेके करता हूँ, सो ये 60 का मैं इरेज करता हूँ, सो ये जो 30 का एंगल है उससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो ये मैंने इस डायरेक्शन में होगा रिजॉल्व, सो दैट्स व्हाई दिस इज माइनस। जितने भी फोर्सेस थे 1, 2, 3, 4 हमने सबको लिख लिया हुआ है। नाउ पुट इक्वल टू साइन, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज 800 कॉस 50। डन, सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट इक्वेशन। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू फॉर एफ फोर कॉस अल्फा। सो एफ फोर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कैलसी में पुट करो फास्ट, कैलकुलेटर निकालो और उसमें पुट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि जो ये एंगल है ये डिग्री में है। बहुत समय ऐसा होता है कि हमारा जो
कैलकुलेटर है उसका मोड रेडियन में होता है, सो रेडियन में होगा तो ये आंसर रॉन्ग आएगा। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये डिग्री में हो और उसके बाद आप वैल्यूज पुट करो, तो आपके कैल्सी में देखो कि वो डिग्री में है या रेडियन में है। ओके डन। अगर अभी भी अगर आप नहीं निकाल पाए हो तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, मैं आंसर लिखने वाला हूँ। सो F4 का आंसर आता है 741.195। सो दिस इज योर F4, पुट इट एज अ इक्वेशन नंबर 1। ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, मेरे साथ लिखते चलो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। सो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ऊपर अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर अपने को ये दिखता रहे। सो F4 cos alpha इज इक्वल टू 741.195, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी इजी, पता है क्या करना है? एक्स के लिए जो किया सेम फंडा भी वाई के लिए करना है। क्या करना है अभी? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमने ऊपर लिख लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट? नाउ टेकिंग द समेशन ऑफ F(y) और ध्यान रखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। डन। जैसे हमने क्वाड्रेंट के बारे में सीखा ना, ये डायरेक्शन एक्स की पॉजिटिव होती है और ये वाई की ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, सेम मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव फॉलो करूंगा जो फोर्सेस है, ठीक है। डन, सिर्फ इतना सिंपल। सो सारे के सारे फोर्सेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फोर्स को मैं देखता हूं, सो अपवर डायरेक्शन, सो इट इज प्लस। अच्छा, एक काम करो, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग है ना, जस्ट पॉज करो और ट्राई करो, देखो कि आप समेशन ऑफ FY का आंसर आप कर पाते हो क्या। जस्ट आप पॉज कर दो इस वीडियो को और लिख के रखो, बाद में मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो जस्ट मैच करो, अगर करेक्ट है तो वेरी गुड, और नहीं है तो देखो कि क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, क्या गलती की है आपने। ओके सो चलिए, सो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, तो इट इज़ 300 sin 30, और यहाँ पे दिस इज अगेन पॉजिटिव, सो इट इज़ अगेन प्लस 400 sin 45। डन। सो दिस इज रिजल्टेंट, नहीं टच करूंगा उसको, या टच भी करूंगा सो इक्वल टू के साइन के बाद में उसको लिखूंगा, पहले नहीं। सो रिजल्टेंट को नहीं टच करना है। यहाँ पे एक F4 फोर्स है और सेकेंड F1 है, सो F4 का जो कंपोनेंट अपना रहा है वो भी अगेन ऊपर आ रहा है, सो राइट ऑन प्लस F4, कौन सा कंपोनेंट है वो साइन का, सो F4 sin alpha। देन ये जो लास्ट है इसका जो ये फोर्स आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है 500 cos 30। ये cos 60 हमने पुराना लिखा था, याद है जब मैंने आपको सिखाया कि अगर आपने ये एंगल लिया तो लिखना है। सो फिलहाल उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। सो ये रहा सेकेंड कॉम्पोनेंट 500 cos 30, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज़ -500 cos 30। सबसे ज़्यादा ध्यान में रखो दिमाग में कि जैसे ही आप सब लिख लेते हो जस्ट काउंट करो, यहाँ पे F1, F2, F3, F4 चार फोर्सेस थे, तो चार कंपोनेंट आपने लिए क्या? 1, 2, 3, 4। यस, डन। नाउ इज इक्वल टू रिजल्टेंट का अपने को नाउ वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो लेना है। सो ये रहा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड, सो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। डन। सो -800 sin 50। डन। अगेन मैं साइड हो जा रहा हूं, ध्यान से देखो आप पूरा, और कैलकुलेटर में इसको पुट करो, जस्ट गिव मी दी वैल्यू फॉर F4 sin alpha, इसकी वैल्यू क्या आती है, जस्ट अपना टाइम लो, कैलकुलेटर में पुट करो, क्योंकि कैलकुलेटर में मेरे साथ जैसे आप पुट करोगे आप सीख जाओगे कि कैलसी से कैसे वैल्यूज को लेते हैं, आप उसको अपना दोस्त बना लोगे। सो अगर आपको टाइम लग रहा है तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड देन ट्राई। सो यू विल गेट द आंसर -612.6656। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। मैं साइड हो जा रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन F4 sin alpha इज इक्वल टू -612.6656। हो गए। सो हमने समीशन ऑफ
एफ ऑफ एक्स डन किया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी डन किया। अब इस इक्वेशन को मैं अगेन ऊपर लिख लेता हूं, जस्ट मैं इसे इरेज करता हूं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज एफ फोर साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 612.6656। दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। वॉट इज द क्वेश्चन, जस्ट गो बैक एंड चेक। द क्वेश्चन वॉज फाइंड आउट द फोर्थ फोर्स एफ फोर। ओके, सो क्या मैं एफ फोर निकाल सकता हूं, या फिर निकाल सकता तो कैसे निकालूंगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पे तो ट्रिग्नोमी उसके साथ टच है। सो साइन और कॉस जब दोनों साथ में कभी भी ट्रिग्नोमी मिलेंगे तो इनको सॉल्व करने का एक ही रूल है। क्या रूल है पता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, वो फंडा यूज करेंगे। सो यहां पे जस्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इट विल एफ फोर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एफ फोर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, देन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म उनको ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में भी सेम करेंगे, 741.195 स्क्वायर प्लस माइनस 612.6656 स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप इज एफ फोर दी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन बाहर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसको कैल्सियम में पुट करो फास्ट एंड गिव मी द वैल्यू। सो आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 924729.1। क्या आंसर आया आपका? जस्ट कमेंट बिलो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है। सो जस्ट दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज वन, साइन स्क्वायर अल्फा पर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज वन। सो विल रिमेन विद एफ फोर स्क्वायर इज इक्वल टू 924729.1। सो डेफिनेटली व्हाट इज एफ फोर? एफ फोर इज अंडर रूट ऑफ दिस। सो कैल्सियम में डायरेक्टली अंडर रूट में पुट करो, सो यू विल गेट द आंसर। सो द लास्ट आंसर इज एफ फोर इज 961.6 न्यूटन। ओके, सो फटाफट छापो इसको, मैं साइड हो जाता हूं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्या किया हमने? जस्ट रिमेंबर कॉस अल्फा साइन अल्फा मुझे दिखा, उनको उड़ाना था, तो आई नो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज वन। सो वो फंडा मैंने यूज किया, जस्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, सो विल गेट दी आंसर। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट द फर्स्ट आंसर फॉर एफ फोर। सो वॉट इज एफ फोर? सो वी हैव एफ फोर इज इक्वल टू 961.6 न्यूटन। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी एंगल अल्फा। हमने यहां पे अल्फा भी लिया हुआ है, सो लेट्स कैलकुलेट द अल्फा। मैं इसे इरेज करता हूं, फटफट लिखा करो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो मुझे एफ फोर मिल गया। जस्ट पॉज दिस वीडियो और जस्ट ट्राई करो कि आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। मैं तो निकालूंगा अभी, लेकिन पॉज करके जस्ट ट्राई करो। अगर आप कर पाते हो तो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, वेरी इजी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो इट इज एफ फोर साइन अल्फा अपॉन, इधर क्या हो जाएगा, दिस इज एफ फोर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, पहले मैंने ऊपर एफ फोर साइन अल्फा लिखा है तो पहले मुझे लिखना है माइनस 612.6656। यहां पे मैं माइनस नहीं लूंगा, जस्ट प्लस में लेके वैल्यूज निकालूंगा, और आपको मैं बाद में सिखाऊंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, हमने डिस्कस किया हुआ उस तरह से करेंगे। तो फिलहाल मैं माइनस नहीं लेता हूं, नहीं तो प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप माइनस लेकर भी करेंगे तो इट्स ओके, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका आंसर माइनस में आएगा और आपका जो एंगल आएगा वो माइनस में एंगल आएगा, कोई इशू नहीं है। सो एफ फोर कॉस अल्फा दिस इज 741.195। सो एफ फोर गेट्स कैंसल। वॉट इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा? यस, इट इज टेन अल्फा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस
वैल्यू, सो इज अल्फा, कैलकुलेट, कैलकुलेटर निकालो, फास्ट फास्ट करते रहो मेरे साथ। सो यू विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.82, पुट करो जरा, और एट द लास्ट आपका आंसर आएगा 39.57। सो वी विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 39.57 डिग्री। ये तो आ गया सर, लेकिन आपने तो बताया नहीं वहाँ पे माइनस मिस किया था। यस बेटा, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर माइनस साइन होगा तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमने बात किया हुआ है कि आप हमारा जो फोर्स होता है या फोर्स सिस्टम है वो क्वाड्रेंट वाइज हमने डिसाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उस फोर्स को मैं इस तरीके से शो करूंगा, ये एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ पे शो करूंगा ये एंगल। थर्ड में रहेगा तो यहाँ शो करूंगा ये एंगल। फोर्थ में रहेगा तो यहाँ शो करूंगा ये एंगल, ये हमने डिसाइड किया हुआ है। सो ये क्वाड्रेंट कैसे पता चलता है? जस्ट सी दी कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हमने डिसाइड किया था। तो जब हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट ऑल जब हमने एक्स कंपोनेंट लिया था, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था तो अपना आंसर आया था दिस वन, डन। सो ये जब ये आंसर आया था तो एक्स कंपोनेंट का था, तो माय समीशन एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड समीशन एफ ऑफ वाई इज, ये एफ ऑफ वाई को जब हमने लेके किया यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स को, तो ये आया दिस इज माय नेगेटिव। तो ये कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सोचो सोचो, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में। सो दिस सेटिस्फाई और ये एलिजिबल है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो इट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स कि ये जो एंगल है ये दिखा आपको, इस एंगल को आपको जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन इस तरह से नीचे दिखाना है और यहां पे लिख देना है दिस एंगल इज अल्फा इज 39.57। इट मीन्स कि जो हमने सपोज किया था इनिशियली, सपोज करके जो भी हमने आंसर निकाला, दिस इज नॉट राइट। तो राइट क्या होगा बच्चा लोग? सो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। सो इसका जो F4 का जो रियल पोजीशन है वो यहां पे आएगा, दिस इज योर F4, डन। ब्लैक कलर से मैंने दिखाने को ट्राई किया है। सो दिस इज योर F4 हैविंग एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 39.57, ओके okay? या फिर अगर आप यहां पे ही अगर माइनस पुट करेंगे साइन अल्फा ये जो था, देखो यहां पे माइनस पुट करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर -39.57। सो -39.57 इट मींस कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 39.57, इजी, ज्यादा कुछ नहीं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके, इजी, समझ में आया। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर F4 एंड अल्फा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। MU में ऑलरेडी आया हुआ न्यूमेरिकल है, मैं बोलूंगा, सो मैं साइड हो जा रहा हूं, जस्ट एक बार देख लेना इसको, देन मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स ही आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम पे क्या राइट डिसीजंस आपको लेने हैं। सो जैसे कि कंकरेंट फोर्सेस का अगर सिस्टम दिखा तो सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज रिजोल्यूशन। जो भी इंक्लाइन है उनको फटाक से रिजोल्व करना है। तो यहाँ पे जितने फोर्सेस थे सब इंक्लाइन थे, तो सबको फटाफट हमने रिजोल्व किया। रिजोल्व के लिए मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, जो एंगल टच होगा उसको हम कॉस करके करते हैं, या फिर अगर आप ट्रिगनो यूज करें या फिर ज्योमेट्री यूज करके अगर आपको आता है तो उससे भी करें, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है, इट इज टच विद दिस सराउंडिंग डायरेक्टली कॉस दैट एंगल, ओके। सो चारों को मैंने किस तरह से ब्रेक डाउन किया, मैंने ये अगर आपको नहीं पता कि इसको मैंने ऊपर और इस डायरेक्शन में ब्रेक किया है, इसको इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ब्रेक किया है, तो लेक्चर 1 में जाके देखना है, वहां पे मैंने सिखाया हुआ है कि इनको ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। सो इसको देन फर्स्ट, योर फर्स्ट स्टेप इज टू रिजोल्व ऑल द फोर्सेस, फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप समेशन ऑफ F(x) यानी कि जो हॉरिजॉन्टल के जितने भी फोर्सेस होंगे सबके उनकी वैल्यू लेनी है, और यहां पे ध्यान रखना है रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट इज ऑलरेडी गिवन। सो पुट क्या किया था हमने लेफ्ट हैंड साइड में सारे फोर्सेस को किए और इक्वल टू के बाद रिजल्टेंट के फोर्स को पुट किया, समीशन FY के लिए सेम किया, और एट द लास्ट वी विल गेट द टू इक्वेशंस F4 cos अल्फा देन F4 sin अल्फा। इसको सॉल्व करने के लिए भी थोड़ी ट्रिक की जरूरत होती है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जब हम करेंगे सो वी विल गेट द F4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 हुआ, ध्यान है। और अल्फा कैसे हमने निकाला? जस्ट डिवाइड, डिवाइड करने पे क्या हो गया? F4 कैंसिल हो गया, क्योंकि F4 तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, कोई जरूरत भी नहीं है, सो ये यहां पे कैंसिल आउट भी हो गया। सो sin अपॉन cos इज 10, जस्ट कैलसी में पुट किया, विल गेट द आंसर। अगर किसी बच्चे ने दोनों प्लस लिया हुआ है तो
तो ये ट्रिक यूज करनी है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको देखना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अगर किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली नेगेटिव पुट किया हुआ है, सो यू विल गेट डायरेक्टली -39.57, दैट मींस इट लाइज ऑन दिस क्वाड्रेंट। मतलब हमने अज्यूम ये किया था, तो आप अज्यूम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द लास्ट आपका आंसर ऑटोमेटिकली राइट आएगा। डन, समझा आपको? सो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो जस्ट राइट डाउन। Da na dum, da na dum, da na dum, da na dum.